हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी 2020 का जो पेपर है उसके 76 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, आज इस वीडियो के बाद ये वाला पेपर जो है पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम एक वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चंस जो है वो एक बार फिर से करेंगे और उसके बाद अपना कोई अगला पेपर स्टार्ट करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए हर आने वाले वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज का क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं और 5 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के मिक्सअप है। तो आज का क्वेश्चन है, टू टैप्स ए एंड बी वुड फिल ए टैंक कम्प्लीटली इन 30 और 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दो नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने में 30 और 36 मिनट लेते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। चार ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, 15 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 14 मिनट के बाद या 16 मिनट के बाद। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया है दो तरीक़ों से, आपको जो अच्छा लगे आप उसे सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, यानी कि दोनों नल ए भरता है 30 मिनट में और बी भरता है 36 मिनट में, और दोनों को अगर एक साथ खोल देते हैं तो कह रहे हैं ए को कब बंद करें कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। देखिए, टैप ए फिल टैंक इन 1 मिनट। अब वो टोटल जो टंकी को भर रहा है 30 मिनट में, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा, 1/30। और इसी तरह से बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/36, क्योंकि बी पूरी टंकी को भरने में 36 मिनट ले रहा है। अब मान लीजिए जो पूछा है वो अगर हम मान लेंगे, इन्होंने पूछा है कि टैप ए यानी कि ए नल को कब बंद करना है, तो हम मान लेते हैं कि ए को हमने टी टाइम के बाद बंद किया है। लेट टैप ए ऑफ एट टाइम टी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए को टी टाइम के बाद बंद किया है तो मतलब टी टाइम तक तो वो चला है ना, तो और 1 मिनट में उसने भरा 1/30, तो 1/30 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस दूसरा चला 18 मिनट तक और 1 मिनट में वो भर रहा है 1/36, तो 1/36 मल्टीप्लाई बाय 18, और इसको इज इक्वल टू रख देंगे 1 के इक्वल, एक टंकी ये दोनों भर रहे हैं मिलके। और जब इसको सोल्व किया, टी बाय 30 प्लस 1/2, 18 1 जाए 18, 18 2 जाए 36, 1/2 इज इक्वल टू 1, तो टी बाय 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, टी बाय 30 इज इक्वल टू 1/2। और इसको इस तरह से आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया 15 मिनट, जो कि हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। कि इसको सोल्व करने का एक और तरीका हमारे पास है। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि जैसे टैप ए एक नल ए जो है पूरी टंकी को भरने में 30 मिनट लेता है और दूसरा नल 36 मिनट लेता है, तो 30 और 36 का जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आता है 180। ठीक है, एलसीएम आएगा 180। तो यहाँ पे हम टोटल यूनिट्स अगर मान लें 180 की, एक टंकी में 180 यूनिट्स आते हैं, तो ए जो नल है वो 1 मिनट में कितनी यूनिट को भरता है, 180 जो टोटल यूनिट्स है डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, यानी कि 1 मिनट में वो भर रहा है 6 यूनिट्स। और इसी तरह बी की जब निकालेंगे तो बी भर रहा है 5 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे हम, यानी कि 6 यूनिट उसने 1 मिनट में भरी है और वो चला है एक्स मिनट, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, जो निकालना है उसको मान लिया। यहाँ पे मान लो कि एक्स मान लिया है कि टैप ए को एक्स मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, तो एक्स मिनट तक वो 6 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, प्लस 18 मिनट में बी को बंद किया जा रहा है, तो 18 मिनट्स तक वो 5 यूनिट पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, इज इक्वल टू 180। टोटल यूनिट्स है 180। इसको आगे ऐसे सोल्व किया, 6x + 90 इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90/6, 15 मिनट्स। यहाँ से भी हमारा 15 मिनट्स ही आंसर निकल के आया है। दोनों ही मेथड आपके पास, आप दोनों में से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद हमें टैप ए को बंद कर देना चाहिए। और इसी तरह से अगर ए की बजाय बी पूछ लिया जाए कि बी को कब बंद करना चाहिए, तो वहाँ पे जैसे एक्स अब ए को माना था, ए टैप का ए नल ए का जो टाइम था उसे एक्स माना था, फिर वहाँ पर नल बी का जो टाइम है उसे हम एक्स मान लेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, तो वहाँ पर भी हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम टी आर के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है, M केवल T से छोटा है और D केवल K से लंबा है, इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है।
देखिए इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने पहले कंडीशन क्या रखी है कि m केवल t से छोटा है, m केवल t से छोटा है। तो अगर हम इस तरह से लिखें m केवल t से छोटा है, ठीक है, t यहाँ पे क्या है छोटा और m है छोटा और t है बड़ा। फिर इसके बाद बोला कि d केवल k से लंबा है, d केवल k से लंबा है, इट मीन्स d जो है वो केवल k से लंबा है, यानी कि k उससे भी छोटा है। कह रहे हैं इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। देखिए r के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, इन दोनों की जो कंडीशन दी गई है कि t सिर्फ m केवल t से छोटा है, यानी कि m जो है सेकंड नंबर पे है, और d केवल k से लंबा है, d यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, k सबसे नीचे है और t सबसे बड़ा। तो जो r है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने पूछा कि तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो ये आ जाएगा r। नेक्स्ट है द लीस्ट स्क्वेयर नंबर, द लीस्ट स्क्वेयर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 and 24 इज़ इक्वल टू, जो किसके बराबर होगा। 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या किसके बराबर है। चार ऑप्शन है 120, 1800, 3600 और 6400। तो इसको हम सोल्व करते हैं। लीस्ट स्क्वेयर नंबर पूछ रखा है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकाला 8, 15 और 24 का एलसीएम जब हमने किया तो ये आ गया 120। 120 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो देखिए स्क्वेयर में हमें क्या करना होता है, पेयर करना होता है। 2 का पेयर हो रहा है 2 × 2, बाकी ये तीनों जो है वो सिंगल रह गए हैं। तो प्राइम फैक्टर्स 2, 3 and 5 हैव नो पेयर, देयरफॉर 120 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि ये जो 120 हमारा एलसीएम आया है, अब इसको किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2, 3 और 5 से। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3 × 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 3600। तो यही हमारा आंसर है। पूछा यही गया था कि सबसे छोटा स्क्वेयर नंबर कौन सा है, ये आ जाएगा हमारा 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूट भाषा में, इन ए कोड लैंग्वेज, डिस्टेंस को ये लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसी समान कूट भाषा में थर्सडे को कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। सबसे पहले ऑप्शन पर जाने से पहले समझ लेते हैं कि इनको कैसे लिखा गया, और इनको लिखने के लिए सबसे पहले हमें अपनी अल्फ़ाबेट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। देखिए ये सारे हमने लिख लिए हैं, वैसे अगर यहाँ पे तो ये नहीं भी लिखते तो भी हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए डिस्टेंस को इन्होंने इस तरह से लिखा है, जब ध्यान से देखा ना तो लास्ट के जो दो अल्फ़ाबेट है डी और आई, इनको क्या करा इन्होंने एक दूसरे की जगह पे रख दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, डी आई को आई डी लिख दिया, और सबसे लास्ट में भी इसी तरह करा, सी ई को ई सी लिख दिया है, और बीच वाले जो दो हैं मिडिल के जो दो अल्फ़ाबेट हैं उसको भी टी ए को ए टी लिख दिया। बच गए दो, एस से अगला क्या है टी, और एन से अगला क्या होता है ओ, उससे अगला अगला लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या यही कंडीशन इन्होंने अगले में भी यूज़ करी है। बिल्कुल, देखिए डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने सेम इसी तरह से लिखा है, डी ओ को ओ डी लिख दिया, एन टी को टी एन लिख दिया, बीच में जो थे यू एम एम यू कर दिया है, और सी से नेक्स्ट है डी और ई से नेक्स्ट है एफ। तो अब थर्सडे को हम कैसे लिखेंगे, देखिए टी एच को कन्वर्ट करा तो एच टी, ए वाई को वाई ए, आर एस को एस आर, यू से अगला है वी और डी से अगला है ई। तो ये हमारा आंसर है, ये देख लीजिए किस में है, ये हमारा है सेकेंड में, एच टी वी एस आर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, वो कौन सी नदी हो जाती है, चोतांग नदी, चोतांग नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, चंदर त्रिखा। बहुत बार आया क्वेश्चन, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है, चंदर त्रिखा। नेक्स्ट है किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़ था। देखिए तीन और ऑप्शन दे रखे हैं, अम्बाला, कैथल और सोनीपत। सोनीपत का पुराना नाम, प्राचीन नाम था स्वर्णप्रस्थ, कैथल का था कपिस्थल, और अम्बाला का पुराना नाम क्या है, अम्बाला के पुराने नाम के बारे में बता रखा कि यहाँ पे पहले आम की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी तो इसे अम्बावाला कहा जाता था, और जिसका नामकरण हुआ है वो हुआ है महाभारत के टाइम जो अम्बालिका है उनके नाम से इनका नामकरण हुआ है, इसका नामकरण हुआ है अम्बाला का। तो कैथल का कपिस्थल, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ। देखिए नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है, हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि कितनी है, ये हो जाएगी 1.5 करोड़। देखिए एक टेबल है, इसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वालों की ओलंपिक में
गोल्ड वाले को दिए जाते हैं 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और ब्राउन वाले को 2.5 करोड़। एशियन गेम्स में गोल्ड वाले को 3 करोड़ आ जाएगा, 3 करोड़, सिल्वर वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 75 लाख। कॉमनवेल्थ में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख। और ये क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेमों में गोल्ड वाले को कितने दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक विजेता को कितने दिए जाते हैं, 1.5 करोड़ आ जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव जी, पी राघवेंद्र राव। हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? पी राघवेंद्र राव। हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? बेगम समरू का महल ये है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की गई है, नेशनल अवार्ड की, इन्हें दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? जिलाधीश के बारे में पूछा गया, कलेक्टर के बारे में पूछा गया है, रोहतक के कलेक्टर कौन थे 1857 के विद्रोह के टाइम, ये थे एडम लोच। और ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है, कौन सी विधानसभा है? वो 14वीं विधानसभा है। एक बार तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ही गलत आए थे, सेम क्वेश्चन था और इसका सही आंसर है 14वीं विधानसभा अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद जो गठित की गई है हरियाणा की विधानसभा। तो आज के थे क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के साथ ही हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी तक हमने टुकड़ों में किया है, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब एक वीडियो में हम इसके सारे 150 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। और मेरे ख्याल से कोई भी वीडियो आपकी टाइम कंज्यूमिंग वीडियो नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस हैं सारी ही, क्योंकि सारा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैडागोजी भी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड कॉमर्स तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना, तो यहाँ पे आपको सारे ही जो है वो सारे ही टॉपिक्स करवाए गए हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ लाइक करना है, आपका एक थम मुझे बहुत मोटिवेशन दे के जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।